महाकवि कालिदास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे जीवन के प्रारंभिक काल में महामूर्ख थे। महाकवि कालिदास भगवती काली की आराधना लगातार बहुत दिनों से कर रहे थे। कालिदास की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें माँ काली ने वरदान दिया कि तुम्हें शास्त्रार्थ में कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। कालिदास की विद्वानता से आज पूरा संसार परिचित है। कालिदास से जुड़ी एक घटना है जो अत्यंत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। कैसे कालिदास का अहंकार टूटा। एक बार महाकवि कालिदास किसी बस्ती से गुजर रहे थे। रास्ते में जाते वक्त उन्हें बहुत जोर से प्यास लगी। कालिदास एक घर में गए और बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। घर की महिला बाहर आई और बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, अपना परिचय दो, मैं अवश्य तुम्हें पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दे। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो, पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दीजिए। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो, संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन, दूसरा यौवन, इन्हें जाने में समय नहीं लगता, सत्य बताओ कौन हो तुम। फिर कालिदास जी बोले, मैं सहनशील हूँ, अब पानी पिला दीजिए। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही है, पहली धरती जो पापी पुण्य आत्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है, दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ तुम कौन हो। कालिदास जी हताश हो गए और बोले, मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, फिर असत्य, हठी तो दो ही है, पहले नाखून, दूसरे बाल, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं, सत्य बताओ तुम कौन हो। कालिदास जी ने हार कर कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो, मूर्ख दो ही है, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास जी स्त्री के पैरों में गिर गए और पानी के लिए याचना करने लगे। स्त्री ने कहा, उठो। आवाज़ सुनकर कालिदास जी ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास जी पुनः नतमस्तक हो गए। सरस्वती माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है न कि अहंकार, तुमने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए तुम्हें तुम्हारे अहंकार से मुक्त करने के लिए यह स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और उन्होंने अहंकार करना छोड़ दिया।